आज हम आए हुए हैं लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत और जबकि पूर्व जिला परिषद राम कुमार बैठा जी इस बार फिर इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है अपनी पत्नी का पूनम देवी इनसे और पति इनसे जानते हैं कि इनका क्या लक्ष्य है। देखिए हमारा लक्ष्य तो सबसे पहले यह है कि समाज के अंदर विकास हो, शिक्षा हो और सबसे पहले जो विवाद होती है समाज के अंदर विवाद उस विवाद को शांत करना और समझौता करना सबसे पहला मेरा लक्ष्य ये है। और पाठन में बच्चा बहुत कमज़ोर हो चुके हैं उनको रास्ते पर लाना समझाना बुझाना और विकास का काम जो होना है वो तो होते ही आएगा और होते ही आया है थोड़ा हो ज़्यादा हो। जनता अगर आपको फिर से एक बार मौका देती है इससे पहले भी मौका दिया जी 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 तो इससे पहले आपने क्या किया और फिर आप जो मौका देगी तब क्या कीजिएगा आप? इससे पहले तो फंड था नहीं स्कीम था नहीं तो जो स्कीमें आई उस स्कीमें में हमने जहां पर लायक था वहां पर हमने बनाया विकास किया और सबसे पहले विवाद को उस वक्त भी हमने शांत करके रखा अपने सातों पंचायत के अंदर। और अब भी इस बार भी हमारा लक्ष्य यही है कि सबसे पहले समाज के अंदर शांति हो शांति रहने से हमारा अपना जो समझ है विकास होते रहेगा। शिक्षा पे कैसे आप शिक्षा पर कीजिएगा? शिक्षा पर मेरा काम करने का यह है कि स्कूल के अंदर जो स्कूलें हैं उसमें जो पढ़ाते हैं शिक्षक उनको गाइडलाइन देना ऐसे ऐसे करें और बच्चा को बुला के स्कूल ले जाना। स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान दीजिएगा? स्वास्थ्य का भी तो है मतलब उसमें स्वास्थ्य में सबसे पहले तो ये है डॉक्टर साहब तो हैं लेकिन उसमें कभी कभी दवा की बहुत ज़्यादा ही कमी रहती है जिसके कारण जो बीमार मरीज रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सड़कें वगैरह भी आती है आप लोगों के अधीन? जी सड़कें आती हैं तो सड़क का स्कीम आती है और जैसे वित्त आयोग सब है उसे आता है और उसी के तहत योजनाएं चलाई जाती है सर बीसीसी ढाला जाता है यही होता है। अपने जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता जनार्दन से अपील यही कर रहे हैं कि इस एक बार फिर हमें लाएं और हमारे व्यवहार को आपने देखे हैं 11 उम्मीदवार हैं 11 में एक सिंगल आपके हम हैं लोकप्रिय यही हमें मेरा उनसे अपील है। सिंबल मेरा ताला चाबी साफ है 4 नंबर पे ताला और चाबी साफ है जी भारी मत इंडिया की आवाज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।